सो ये है फाइन फाइन A6V, आप इसे जो है फी फाइन A6V भी जो है वो कह सकते हो। ये एक USB कंडेंसर माइक्रोफोन है। बजट प्राइस टैग पे भी ये माइक्रोफोन जो है वो बहुत कुछ प्रॉमिस करता है, लाइक RGB लाइट इफेक्ट, टच कंट्रोल म्यूट बटन, इनबिल्ट डिटेचेबल पॉप फिल्टर, शॉक माउंट, ट्राइपॉड स्टैंड एंड USB टाइप सी कनेक्टिविटी, एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इन ये सब कुछ जो है आपको 3000 रुपीज के अंदर जो है वो मिलता है, जो शायद इस प्राइस रेंज में किसी और माइक्रोफोन में जो है वो देखने को नहीं मिलता। एंड यही रीजन है कि मैंने जो है इसे रिव्यू के लिए जो है वो सिलेक्ट किया है। अभी इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, कौन कौन से यूज़ के लिए जो है ये सही है, कौन कौन से यूज़र के लिए सही है, तो वो आपको जो है इस वीडियो के एंड तक सारा जो है वो पता चल जाएगा। वैसे आप जो ये वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक्रोफोन से जो है रिकॉर्ड हो रहा है, Audacity पे जो है मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मैंने कुछ इफेक्ट भी जो है ऐड की है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक डिसेंट बॉक्स पैकेजिंग में जो है ये माइक्रोफोन आता है। ये इसका जो है ब्लैक कलर वेरिएंट है, बट आपको अगर आपके सेटअप के साथ जो है ब्लैक कलर वेरिएंट शूट नहीं होता तो अच्छी बात यह है कि आपको इसमें व्हाइट, ब्लू, पिंक एंड रेड कलर का ऑप्शन भी जो है वो मिलता है। एक अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग USB टाइप सी केबल है। यहाँ पे USB है तो आप PC के अलावा जो है PS5, PS4 या फिर Xbox में भी जो है इसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक डिटेचेबल मेटल बिल जो है ट्राइपॉड स्टैंड जो है आपको इसके साथ मिलता है। सो आपकी तरह मुझे भी डिजाइन वाइज जो है ये काफी अच्छा लगा। वैसे डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं कह सकते, बट HyperX QuadCore जैसी सिमिलर वाइब है इसमें। ऑफ कोर्स साइज में ये थोड़ा सा उससे छोटा है, एंड इसकी जो लाइट है वो भी उससे कम ब्राइट है, बट उसकी प्राइस जो है अप्रोक्स 12,000 रुपीज के आसपास है, एंड इसकी जो है वो 3,000 रुपीज के आसपास है, तो कंपेयर करना जो है वो सही नहीं बनता। बट उसमें आपको सिर्फ जो है रेड कलर की सिंगल लाइट का ऑप्शन मिलता है, बट इसमें आपको जो है 7 डिफरेंट RGB लाइट मोड मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिक है, कस्टमाइज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है नहीं है, एंड ना ही कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की आपको जरूरत है। PC एंड मैकबुक में जस्ट सिंपली प्लग एंड प्ले यूज है। वैसे RGB कस्टमाइज के बारे में हम इस प्राइस पॉइंट पे वैसे बात भी नहीं कर सकते, एंड ओवरऑल लुक वाइज जो है अच्छा लगता है तो उसकी आपको जरूरत भी महसूस नहीं लगेगी। बिल क्वालिटी भी जो है इसकी डिसेंट है, पूरा माइक्रोफोन प्लास्टिक बिल के साथ है, एंड देखा जाए तो प्राइस के कंपेयर में ठीक है। वैसे ऑल प्लास्टिक बिल के वजह से फायदा ये है कि ये काफी जो है वो लाइट वेट है, तो अगर आप नॉर्मल सस्ते आर्म स्टैंड पे भी इसे यूज करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट जहां तक मुझे पता है कि इस प्राइस में इसके अलावा और कोई गेमिंग माइक्रोफोन नहीं आता जिसमें आपको शॉक माउंट एंड आर्म स्टैंड अटैच करने का ऑप्शन मिलता है, उनमें आपको जो है ये अलग से खरीदना पड़ता है, बट इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी डिटेचेबल ट्राइपॉड तो इसमें है ही, एक अच्छी मेटल बिल्ड के साथ है, एंड हाइट भी जो है उसकी डिसेंट है, तो नॉर्मल टेबल पे रख के भी जो है आप इसे यूज में ले सकते हो। एंड सबसे जरूरी इनबिल्ट पॉप फिल्टर आपको यहाँ पे मिलता है, जो अगेन इस प्राइस रेंज में काफी रेयर है। एंड ये डिटेचेबल भी है तो आप इसे निकाल भी सकते हो, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग जो है यूज नहीं करेंगे इसे पॉप फिल्टर के बिना, एंड करना भी नहीं चाहिए। तो या इसके अलावा दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो डे टू डे यूज में काफी हेल्पफुल होती है। फर्स्ट, इसमें भी रेजर एंड HyperX के जो प्रीमियम माइक्रोफोन होते हैं उसी की तरह टॉप में आपको टच सेंसिटिव माइक्रोफोन म्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, जो काफी इजी एंड कन्वीनियंट होता है डे टू डे यूज में। अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या फिर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो तो जस्ट टैप ऑन द टॉप एंड माइक्रोफोन जो है वो ऑन ऑफ हो जाता है, एंड माइक्रोफोन ऑफ हुआ कि नहीं उसकी इंडिकेशन के लिए जो RGB लाइट है वो भी जो है ऑफ हो जाती है, ताकि इजीली आपको पता चले कि जो माइक्रोफोन का जो स्टेटस है वो क्या है। नहीं तो हो सकता है कि आपका भी एक अलग से वीडियो जो है वो वायरल हो जाए, तो उससे आपको ये बचाएगा। सेकंड, इसमें भी जो है माइक्रोफोन गेन कंट्रोल मिलता है। मेजोरिटी बजट माइक में ये नहीं होता, बट अच्छी बात यह है कि इसमें यहाँ पे है, नीचे की साइड में आपको ये मिलता है, एंड आई थिंक परफेक्ट प्लेसमेंट जो है इसकी है। मैंने काफ़ी देर तक जो है इसे टेस्ट किया है। अब बात करें तो ब्लू यति या फिर HyperX QuadCore जैसे प्रीमियम माइक्रोफोन जितना डिफरेंट तो ये क्रिएट नहीं कर पाता, बट फिर भी ये ठीक है, काम का ये, सिर्फ नाम के लिए है, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो है डेमो देता हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया आ जाए। मैं इसके माइक्रोफोन से Audacity में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड गेन कंट्रोल को मिनिमम से मैक्सिमम तक धीरे धीरे जो है वो ले जा रहा हूँ, एंड मेरे विंडोज़ की जो सेटिंग है माइक्रोफोन की वो भी वॉल्यूम 100% पे सेट है। अब जो है ये इसका जो है वो मैक्सिमम लेवल आ चुका है, एंड ये ऑडियो विदाउट एडिट है, कोई भी इफेक्ट जो है मैंने इसमें ऐड नहीं की है, जो ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ है ठीक वैसा ही ये ऑडियो है। अभी इसी माइक्रोफोन से जो है मैं स्ट्रीम लैब पे जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड अभी मैंने इसमें कोई भी ऑडियो फिल्टर जो है ऐड नहीं किया है, और ना ही इस ट्रैक को जो है मैंने एडिट किया है, ये नॉर्मल है, जैसा रिकॉर्ड हुआ ठीक वैसा ही है। दूसरे बजट माइक्रोफोन की तरह ये माइक्रोफोन भी जो है सिर्फ एक ही पिकअप पैटर्न जो है वो सपोर्ट करता है, जो कि स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट या फिर ऑनलाइन मीटिंग या फिर वॉइस ओवर के लिए जो है ये पैटर्न ही यूज़ की जाती है। अगर क्वालिटी की बात करें तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी इसकी सच में अच्छी है, थोड़ा सा भी आपको ऑडियो में जो है सिबिलेंस नोटिस नहीं होता, एंड आपने नोटिस किया होगा कि विदाउट एडिट है, फिर भी बैकग्राउंड नॉइज जो है इसमें लगभग ना के बराबर है। इवन मेरा PC जो है नज़दीक है, बट फिर भी उसके फैन की वॉइस इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही है, विच इज़ रियली गुड थिंग।
तो प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका, ओवरऑल एक क्लियर रिकॉर्डिंग जो है इससे मिल जाती है आपको, और थोड़ा सा बेटर आइडिया आ जाए इसलिए जो है मैं यहाँ पे इसको ब्लू यति से कंपेयर करने वाला हूँ। वैसे कंपेयर करना जो है वो नहीं चाहिए बिकॉज प्राइस डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है इससे हायर प्राइस है, पर ज़्यादातर प्रोफेशनल पॉडकास्ट यूजर जो है उसी माइक्रोफोन को प्रीफर करते हैं। एंड माइक्रोफोन में यही होता है कि आपको सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसी से कंपेयर करना पड़ता है ताकि आपको एक बेटर आइडिया जो है वो आए। तो अभी जो आप सुन रहे हो वो मैं ब्लू यति से जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेम पैटर्न जो है यूज़ कर रहा हूँ, बट गेन लेवल जो है थोड़ा सा कम है बिकॉज ब्लू यति जो है काफ़ी सेंसिटिव एंड साइज़ में थोड़ा बड़ा माइक्रोफोन है। डेफिनेटली साइज़ एंड नंबर ऑफ जो कंडेंसर कैप्सूल है वो ज़्यादा होगी, तो कंपेरिजन तो नहीं कह सकते, बट एज अ रेफरेंस जो है आपके लिए ये ट्रैक जो है वो काम आ जाएगा। सो अब हम फिर से जो है हमारे माइक्रोफोन पे आ गए हैं। आई टोटली एग्री कि वॉइस में जो है गेन या फिर डीपनेस जो है वो ज़्यादा नहीं है, ऑडियो थोड़ा सा जो है वो फ्लैट लगता है, पूरी तरह से जो है वो नेचुरल नहीं है। वैसे इस प्राइस में जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, प्रोफेशनल म्यूजिक रिकॉर्डिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग के लिए उतना ये रिकमेंडेड नहीं होगा, बट स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट, ऑनलाइन मीटिंग के लिए इसकी ट्यूनिंग जो है वो ठीक है। ओवरऑल अगर वन लाइन में कहा जाए तो अगर आप प्रोफेशनल म्यूजिक वर्क या फिर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग के लिए सोच रहे हो तो ये उतना हो सकता है कि आइडियल ऑप्शन ना हो। गेन लो, साउंड सेपरेशन उतना अच्छा जो है इसमें नहीं मिलता, बट गेम, स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट या फिर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह के लिए जो है अंडर 5,000 रुपीज इससे बेटर ऑप्शन आपको शायद ही मिलेगा। बाकी इस वीडियो के साथ जो है 2-3 दिन बाद जो है मैं बेस्ट माइक्रोफोन अंडर 5,000 रुपीज का जो वीडियो है वो भी ऐड कर दूंगा, एंड उसके बाद उसकी डिटेल कंपेरिजन लिस्ट भी हमारी वेबसाइट गीकमैन पे जो है वो चेक करने के लिए मिल जाएगी, एंड लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई सवाल रह गया हो तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सॉरी।